अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर SC ने जारी किया नोटिस। मणिपुर में दो बच्चों की हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बढ़ सकती है ईंधन की कीमतें, हरदीप सिंह पुरी। दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर ED से जवाब मांगा। यूपी विधानसभा में नियुक्ति में गड़बड़ी की CBI जांच के आदेश पर रोक। अब खबरें विस्तार से। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने फाइबरनेट घोटाले मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने वाले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। CBI के सूत्र ने बताया है कि मणिपुर में दो बच्चों के कथित अपहरण और हत्या के मामले में 26 साल के नामक व्यक्ति को CBI ने पुणे से गिरफ्तार किया है। उनको 16 अक्टूबर तक CBI कस्टडी में भेजा गया है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच ईंधन की कीमतों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हम 3 चुनौतियों से निपट रहे हैं, उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता। फिलहाल हमें उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं है, क्योंकि जिन देशों से हम कच्चा तेल आयात करते हैं उनकी संख्या 27 से बढ़कर 39 हो गई है। अगर एक क्षेत्र में समस्या है तो हम दूसरे क्षेत्र से अपनी आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक सामर्थ्य का सवाल है, यह उपलब्धता से जुड़ा है। कीमत बढ़ सकती है यदि बाजारों में उपलब्धता तेल की मात्रा अचानक कम हो जाती है। स्थिरता के लिए हमने हरित ऊर्जा संक्रमण में अपनी स्थिति को कमजोर नहीं होने दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर ED से जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट मामले में 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे अगली सुनवाई करी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली आबकारी नीति में ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी के गैर कानूनी बताते हुए चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के UP विधानसभा में नियुक्ति में हुई गड़बड़ी की CBI जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .in।